नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस कोर्स में। तो आज हम लोग जो आगे का लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे, और आज के लेक्चर में हम लोग पीजेंट रिवोल्ट देखेंगे, राइट। कल हम लोग ने ट्राइबल रिवोल्ट देख लिए थे सारे, दोनों पोर्शन ख़त्म कर दिए थे। आज हम लोग शुरू करेंगे अपना पीजेंट मूवमेंट। तो पीजेंट मूवमेंट में हम लोग सबसे पहले जो ईस्टर्न इंडिया है उसका पोर्शन ख़त्म करेंगे, बंगाल साइड वाला। नारकेल पेरिया देखेंगे, पागलपंथी रिवोल्ट देखेंगे, फैरेजी रिवोल्ट देखेंगे, और फाइनली जो मालाबार रीजन का मोपला अप्राइजिंग रही उसको देखेंगे, ठीक। तो अपना जो पूरा पीपीटी का लेआउट होगा वो पुरानी जो ट्राइबल था उसी पे बेस होगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं नारकेल बेरिया अप्राइजिंग से। इसके जो मेन लीडर रहे थे वो थे मीर निथार अली, ऑल्सो नोन एज टीटू मीर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल पूछा गया है स्टेट पीसीएस पे, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसमें क्या था कि बेसिकली टीटू मीर को लोग एज अ रिलीजियस लीडर मानते थे, और इन्हीं के कहने पे क्या हुआ था कि बंगाल में जो मुस्लिम टेनेंट्स थे इन्होंने लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, जो कि मेनली हिंदू थे, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। इसमें क्या कहा गया है कि एक बात ये भी कही जाती है कि बियर टैक्स भी लगता था, मतलब दाढ़ी पे भी टैक्स लगता था। यही सब ऐसी जो अलग अलग कंडीशंस थी उस टाइम पे वो इस रिवोल्ट के लिए जिम्मेदार रही। फाइनली आगे चल के जो नारकेल बेरिया अप्राइजिंग है ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी आवाज़ उठाती है, और ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये ध्यान रखना है, इट वॉज द फर्स्ट आर्म पीजेंट अप्राइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक। तो नारकेल बेरिया है जिसके लीडर टीटू मीर है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद पागलपंथीज रिवोल्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एक्चुअली अ सेमी रिलीजियस ग्रुप जिसको बनाया था कराम शाह ने, ठीक। इसमें बेसिकली ध्यान रखिएगा, हैजोंग और गारो ट्राइब्स के लोग इंक्लूडेड थे इस पागलपंथी रिवोल्ट में। ये मोड़ कब आया कि जो करम शाह का सन था, जो था टीपू, वो क्या करता है कि इन पागलपंथीज को एक चैनलाइज्ड वे में ऑर्गेनाइज करता है, जिससे कि ये दे कैन फाइट द ऑपरेशन ऑफ जमींदार, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है कि इन्होंने क्या आवाज़ उठाई कि जो रेंट की लिमिट थी वो एक कंडीशन से आके बहुत ज़्यादा, ये लोग जमींदार जो थे वो बहुत ज़्यादा रेंट ले रहे थे उस टाइम पे, और जमींदार्स को ब्रिटिशर्स भी प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। इन्होंने जमींदार्स के हाउसेस को अटैक किया, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये वायलेंट प्रोटेस्ट था एक तरह से, ठीक, और इसको ब्रिटिशर्स ने सप्रेस भी बहुत ही हैविली हैंडेड किया। उसके बाद देख लेते हैं फैरेजी रिवोल्ट। ये फैरेजी रिवोल्ट क्या है कि जो फैरेजी हैं वो बेसिकली देवर दी फॉलोअर्स ऑफ मुस्लिम सेक्ट फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर। ये ईस्टर्न बंगाल में चला। ये क्या, इन्होंने एडवोकेट किया, दे एडवोकेटेड रिलीजियस सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस इन मुस्लिम्स, ठीक। इसके बाद आगे चल के क्या होता है, दादू मियाँ सन ऑफ शरीयत अल्लाह ऑर्गेनाइज्ड हिज फॉलोअर्स, किस एम्स के लिए, कि ब्रिटिशर्स को बंगाल से हटा फेंकना है। तो फैरेजी रिवोल्ट का जो आपको मेन लीडर है वो ध्यान रखना है, हर एक रिवोल्ट के, मैंने स्टार्टिंग ही में कहा था कि आप रिवोल्ट का नाम ध्यान रखना है, वो लोकेशन आपको ध्यान रखनी है, जो कि इसीलिए मैंने मैप में सब कुछ बताया हुआ है, और उससे इम्पोर्टेंट लीडर आपको ध्यान रखना है, ठीक। और बाकी की जो पूरी सिचुएशन है वो हर एक रिवोल्ट में ऑलमोस्ट सेम है कि जमींदार्स होंगे, पीजेंट्स होंगे, रेंट होगा, ब्रिटिश होंगे, तो मोटा मोटा जो ओवरऑल पिक्चर बन के सामने आती है वो सब में ऑलमोस्ट सेम ही है। आगे चलते हैं मोपला रिवोल्ट देख लेते हैं, मालाबार रीजन का जो रहा केरल का। तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली एक तरफ मुस्लिम्स टेनेंट्स हैं और दूसरी तरफ हिंदूज जमींदार्स हैं, ठीक। तो इनके बीच बेसिकली जो फाइट हुई वो ये हुई। तो ये स्टार्टिंग में देख लीजिए कि जो हिंदू जमींदार्स हैं उनको जन्मीज बोला जाता था उस टाइम पे, वहाँ के जो लोकल हिंदू जमींदार्स थे उनके बीच में जो रिलेशन था वो काफ़ी अनफ्रेंडली था, बहुत इकोनॉमिकली और एंड रिलीजियसली, ठीक। 1835 तक क्या हो रहा था कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे वो जो मोपला टेनेंट्स थे, जो मुस्लिम्स थे टेनेंट्स, उनको सप्रेस करने में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहे थे। बट बाद में आगे चल के ये जो रिवोल्ट रहा ये बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। इसके पीछे का रीज़न ये था कि जो लैंड टेन्योर सिस्टम था मालाबार का वो काफ़ी अनफेवरेबल था टू दी मोपला टेनेंट्स, और एक कंडीशन ये भी थी कि उनको खुद के लैंड से हटा दिया जा सकता था किसी भी टाइम पे विदाउट एनी अप्रोप्रिएट नोटिस। तो ये ज़्यादा जो कंडीशन थी ये बहुत ही अनवांटेड कंडीशन थी, और जो मोपला रिबेलियन रहा है वो खिलाफत मूवमेंट रहा है उससे भी एसोसिएटेड है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसी के चलते गांधी जी को भी यहाँ मालाबार रीजन में आना पड़ा था, ठीक। तो ये सवाल आया है कई बार, तो ध्यान रखिएगा। इस स्लाइड में पूरा मैंने लिखा हुआ है, इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। तो जो हमारे पीजेंट रिवोल्ट रहे वो फाइनली फिनिश ऑफ होते हैं। कल से हम लोग सिविलियन रिबेलियन देखेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हैं।
उसको भी दो तीन पार्ट्स हम लोग धीरे धीरे करके फिनिश ऑफ करेंगे, जिससे कि ये जो पूरा प्राइजिंग वाला पोर्शन रहा है वो हम लोग का चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक, आपको पीपीटी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, और अगर कोई बात करनी हो तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। फाइनली फ्रेंड्स, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम और मैनर पर मिलते रहे, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब कल अगले लेसन में। टिल देन, हैव अ नाइस डे।